हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होता क्या है? जब एक रे एक लाइन पर स्टैंड करती है और रे और लाइन जो है मिलकर दो एडजेसेंट एंगल को फॉर्म करते हैं, उसे लीनियर पेयर कहा जाता है। इफ अ रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन एंड फॉर्म टू एडजेसेंट एंगल्स, इसको फिगर से हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। आप देख रहे होंगे ये फिगर, यहाँ पर BD जो है एक रे है और AC जो है एक लाइन है। दैट मीन्स जो रे है वो लाइन पर स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। BD AC पर स्टैंड कर रही है, जिसमें कि BD रे है और AC लाइन है, और ये दोनों चीज़ों से मिलकर दो एंगल बन रहे हैं। रे और लाइन मिलकर दो एंगल को फॉर्म कर रही है, यानी जो एंगल वन है और एंगल टू है, दो एडजेसेंट एंगल को फॉर्म कर रही है। अब ये एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल है भी या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। एडजेसेंट एंगल की तीन कंडीशंस थी, कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बी है वर्टेक्स है। अब ये कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से जो तीनों रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, बीडी बीसी एंड बीए, तीनों जो रेज है वो ओरिजिनेट बी पॉइंट से हो रही है। दैट मीन्स ये कॉमन वर्टेक्स है। सेकेंड कंडीशन थी कॉमन आर्म। अब ए बी डी एंड डी बी सी एंगल में कॉमन आर्म कौन सी है? बी डी कॉमन आर्म है, क्योंकि ये दोनों एंगल में लाई कर रही है। एंड द लास्ट कंडीशन जो थी वो थी जो कि एडजेसेंट एंगल में नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट होनी चाहिए। अब जो ए बी डी है और डी बी सी है, इसमें नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है? ए बी और बी सी जो है वो नॉन कॉमन आर्म है इनकी, और बिल्कुल अपोजिट भी है कॉमन आर्म के। बी डी के अपोजिट है ना ये दोनों। दैट मीन्स जो एंगल वन है और एंगल टू है, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। लीनियर पेयर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक रे एक लाइन पर स्टैंड करनी चाहिए, बिल्कुल स्टैंड कर रही है बी डी ए सी पर, और जो रे और लाइन से मिलकर जो दो एंगल बनेंगे उन एंगल को एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एंगल वन और एंगल टू दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो दैट मीन्स ये जो लीनियर पेयर का जो फिगर है कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। और अब आगे पढ़ते हैं हम जो लीनियर हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल में कि व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म। अब जब एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट है एक दूसरे के, दैट मीन्स जो एंगल ए बी डी है और एंगल बी डी सी है, ये एंगल ए बी सी के इक्वल होंगे। ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है कि व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट, यानी एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट है ए बी डी एंड डी बी सी, देन देयर सम हमने कर दिया ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म। अब जो नॉन कॉमन आर्म है उनसे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए बी सी तो बन रहा है नॉन कॉमन आर्म से। आप सीधा सीधा देखो ना, ये पूरा एंगल जो है, जब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे, एंगल वन और एंगल टू को जोड़ेंगे, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए बी सी बनेगा। ऐसे एक लाइन बनेगी, और जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख लेना जाकर, जो स्ट्रेट लाइन अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा 180 डिग्री एंगल को बनाती है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनको सप्लीमेंट्री ही कहा जाता है, उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी इस कंडीशन से हमें यह पता चलता है कि जो एंगल ए बी डी है और डी बी सी है, ए बी सी के इक्वल है, और हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है कि ए बी सी का जो सम है वो क्या है, वो 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर जो है दो एडजेसेंट एंगल को फॉर्म करते हैं, और जो लीनियर पेयर पे जो एंगल बनता है उन दोनों का जो सम है, ए बी डी जो डी बी सी, दो एंगल बने और इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।